ये भी बंद कर रखा है, ये भी बंद। और ये देखिए, ये डेरा कार सेवा के समीप की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं एसडीएम मौके पर पहुंचे हुए हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट, और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि कड़ा पहरा, जी हां कड़ा पहरा आज देखा जा रहा है। तो करनाल को किले में तब्दील जरूर कर दिया है डेरा कार सेवा के समीप की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एसडीएम साहब मौके पर पहुंचे हुए हैं। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। डेरा कार सेवा को चारों तरफ से, जी हाँ डेरा कार सेवा को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। आप ये देख सकती हैं बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। किसान नेताओं द्वारा एक आह्वान जरूर किया गया था कि किसान नेता मुख्यमंत्री का काले झंडे दिखाकर विरोध जरूर करेंगे। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। आप ये साफ तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस प्रकार मौके पर एसडीएम पहुँचे हुए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं सख्ती से आदेश जरूर दे दिए हैं, जी हाँ सख्ती से आदेश जरूर दे दिए गए हैं। जो भी आता है, जी हाँ जो भी आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सख्ती से आदेश जरूर दे दिए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये डेरा कार सेवा के बिल्कुल बैक साइड की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चारों तरफ से डेरा कार सेवा के जितने भी रास्ते आते हैं सील कर दिए गए हैं, रास्ते सील कर दिए गए हैं, डेरा कार सेवा के चारों तरफ के रास्ते सील कर दिए गए हैं। और किस प्रकार से एसडीएम यहां पर आदेश देकर गए हैं, जी हां एसडीएम यहां पर आदेश देकर गए हैं, अगर कोई भी यहां पर आता है, कोई भी यहां पर आता है तो आप उनको रोकने का पूर्णतः प्रयास जरूर करेंगे। इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस प्रकार से चारों तरफ से ये पीछे करना जी बैरिकेडिंग। एसडीएम मौके पर यहां पर पहुंचे थे और किस प्रकार से आदेश दिए हैं, पुलिस के जवानों को आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी जबरदस्ती करता है, भले ही कोई किसान हो, कोई भी जबरदस्ती करता है तो आपको उनको जवाब देना है। जवाब कैसे देना है आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं पूरे शहर को किले में तब्दील कर दिया है, पूरे शहर को किले में तब्दील कर दिया है। चारों तरफ से आप ये देख सकते हैं ट्रक लगाए गए हैं, बसें लगाई गई हैं। जो जो रास्ते डेरा कार सेवा की ओर जाते हैं, जी हाँ जो जो रास्ते डेरा कार सेवा की ओर जाते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन की ओर से एक जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। वहीं दूसरी ओर किसान नेताओं की अगर हम बात करें तो 9:30 बजे का समय जरूर दिया गया था कि आप डेरा कार सेवा पहुँचे, वहाँ पर उसके बाद जो है काले झंडे दिखाने की बात भी की जा रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं चारों तरफ से, जी हाँ चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है और मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुँचे और किस प्रकार से आदेश दिए, पुलिस के जवानों को आदेश दिए कि अगर कोई भी अरे रुक चल रुक जाओ ये तो आदेश जरूर दिए हैं, अगर कोई भी शरारती तत्व अंदर आते हैं, भले ही किसान आते हैं, किसी भी प्रकार की कोई घटना को अंजाम देते हैं तो उस पर आप
कहीं ना कहीं एक कार्रवाई जरूर करेंगे। कैसे कार्रवाई करेंगे वो आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वशे करें। साफ तस्वीरों तो में आप देख सकते हैं आमजन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए किस प्रकार से आम जन परेशान जरूर होता हो जाता है जब मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, क्योंकि रास्ते डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं? हम शिवाजगढ़ से आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है? मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है जी, अपना मुख्यमंत्री आने दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आने दें उनको। और इस प्रकार से जो रास्तों में दिक्कत आ रही है, डाइवर्ट हो रहे हैं रास्ते, ये वैसे गलत है। हाँ जी, गलत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, गलत हो रहा है जी? सही हो रहा है ये? सामने दुकान है तो कैसे जाए, सामने हमारी दुकान है, नौकरी के लिए खड़े पैदल कट रास्ता दे दो कम से कम जाने के लिए। हाँ। क्या होता, नौकरी में जाना, काम करना। किसान नेताओं ने आह्वान किया था कि मुख्यमंत्री जी को काले झंडे दिखाकर उनका जो है विरोध करेंगे। वो बात अपनी जगह है सर, लेकिन आम जनता तो परेशान कर, 5 बजे का सील किया हुआ है, कम से कम पैदल रास्ता होता कि बंदे नौकरी में जा सके। हमने तो रोज का कमाना, रोज का खाना सर जी। इनकी तरह थोड़ी है कि इन्होंने तो अपना आदेश दे दिया और काम खत्म हो गया। ये तो आम जन काफी परेशान हो जाता है। आज तक पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, क्या खट्टर भी आया, देवीलाल भी आया, सारे मुख्यमंत्री आया, आज तक तो क्या जवान नहीं हटा गए। जब देखो मुख्यमंत्री आया जाम कर दो, जब जाम कर दो। किस चीज की दुकान है आपकी? पेंटिंग दुकान है हमारी, पेंटिंग की। तो ये देखिए किस प्रकार से दुकान खुली नहीं है, और सुबह सुबह जब ये बैरिकेडिंग देखने को मिलती है तो आमजन को काफी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। ये देखिए किस प्रकार से लोग इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, सोच ये रहे हैं कि आगे रास्ता खुला होगा, लेकिन साहब आगे रास्ता खुला नहीं है, आगे बैरिकेडिंग की हुई है। तो आज परहेज करें। जो दुकानदार भाई हैं, व्यापारी हैं, उनको नुकसान जरूर होगा, बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि दुकानें बंद पड़ी हैं, दुकानें खुली नहीं हैं, रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं, ग्राहक आएंगे नहीं, तो परेशानी आज व्यापारियों को भी हो सकती है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन समस्या है। आज आप यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं आज, आम जन को काफ़ी पहुँच रहे हैं यहाँ। अच्छा, तो ट्रैफिक तो खुलवाना चाहिए ना, आम पब्लिक दिक्कत होती है। किसान विरोध करेंगे काले झंडे दिखाकर? नहीं, झंडे तो बदल, देखो सबका अधिकार है अपने आवाज उठाने के लिए, बट इसको जो सा रास्ता है, आम पब्लिक जो तंग हो रही है, तो उसको तो थोड़ा सा रास्ता खोलना चाहिए। मतलब जो हो रहा है गलत हो रहा है? हाँ जी, जो हो रहा है नहीं, नहीं हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन जो को जिसका अधिकार है अपने हर अपने पेट के लिए बोल रहा है, लेकिन सबको अपने आवाज उठाने का अधिकार है सबका, लेकिन बट इसको आम पब्लिक तंग हो रही है। या तो पहले बताना चाहिए भी यहाँ पे ये रोड बंद होगा, बिल्कुल, तो काम जाने वाले हम कहाँ जाएंगे? गरीब बंदा है, आप दिहाड़ी कट के कौन जी में आ रहे हो? बिल्कुल, अब मालिक तो कहते हैं टाइम से आओ, लेकिन रास्ते बंद है, कहाँ जाएंगे? रास्ते बंद है, इधर से रास्ता बंद है, कहाँ तक रास्ते बंद है? नौकरी करते हैं? हाँ जी, प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो आज दिक्कत होगी आपको, तो बहुत हो रही है। देखो अब कस्टमर को सामान देना है, वो ज्यादा हमारे पर तंग करेंगे, तो दिक्कत जरूर होती है जब इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, बेहद ज़्यादा दिक्कत होती है। ये देखिए किस प्रकार से काफ़ी लोग परेशान हैं। बाबूजी से बात कर लेते हैं, कहाँ जा रहे हैं आज? हम तो अपने दुकान पे जा रहे हैं, तो रास्ता बंद है यहाँ से, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, ये तो पता नहीं था। को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और परहेज करें। अगर आप करनाल रेलवे रोड की तरफ आ रही हैं या फिर मुख्य बाजारों की तरफ आ रही हैं, तो रास्ते आपको बंद मिलेंगे। डेरा कातियावां के पीछे की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप साफ तस्वीरों में देख सकती हैं चारों तरफ से जो रास्ते डेरा कातियावां की ओर जाते हैं उन्हें फिलहाल सील कर दिया है। अपडेट आपको देते रहिए, आप इस तरीके से बने रहिएगा करनाल।